Welcome to Concept LID. The topic for today is we will be discussing height and distance, and I tell you that this is the part 3. Please go and watch the part 1 of this video so that you understand in continuity. After this, important announcement. If you want the full channel access, then pay rupees 119 per month. For that, you have to click on the join button and the link of the join button is given in the description box of this video. Okay, so let's start. बेसिकली हम डिस्टेंस में ऑलरेडी पार्ट वन कर चुके हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई रिक्वेस्ट यू पार्ट वन जरूर देखें अब उसके बाद हम लोग पार्ट टू स्टार्ट करते हैं मैं इसमें सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज पिकअप करूंगी वो रहेगा टू थाउजेंड ट्वेल्व के क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे is, 2000, पहले ये रहता है इट इज ऑफ टू थाउजेंड ट्वेल्व तो इसमें मैंने बेसिकली क्या करा है मुझसे कहा गया है द लेंथ ऑफ अ शेडो ऑफ अ वर्टिकल ऑन द लेवल ग्राउंड इंक्रीजेस बाय टेन मीटर इसका मतलब यह है कि एक वर्टिकल टार था से मेरा ये वर्टिकल टार है तो मुझसे कहा गया है ये दिस इज माई वर्टिकल टार ओके तो मुझसे कहा गया है कि इसकी जो लेंथ है इंक्रीज हो गई है ऑल्टीट्यूड ऑफ देंजेस फ्राम फोर्टी फाइव मतलब जब यहाँ पे आता है तो ये फोर्टी फाइव डिग्री रहता है और थर्टी डिग्री पे टेन डिग्रीज चेंज हो जाता है ओके कैलकुलेट हाइट ऑफ द टू डेसिमल प्लेसेस मतलब हमें टू डेसिमल प्लेसेस तक बताना है अब देखिए आपने मुझसे पूछा पूछना होगा कि यार मैम आपने ये कैसे डिसाइड करा कि 45 डिग्री पहले आएगा और 30 डिग्री बाद में आएगा देखिए इट्स मैं बता दूं अगर हम लोग जीरो से ऐसे स्टार्ट होते हैं तो जहां पे सबसे ज्यादा इंक्लीनेशन होता है मतलब वो वाला एंगल मिनिमम है और जहां पे ज्यादा इंक्लीनेशन है दैट मीन्स दैट एंगल इज मोर तो इसलिए 45 पे ज्यादा इंक्लीनेशन तो मैंने उसको 45 लिया 30 डिग्री पे हमारा कब रहता है इंक्लीनेशन तो इसलिए मैंने 30 को बाद में लिया सो लेट मी स्टार्ट अब हमें बेसिकली क्या देखना है हमें ए बी की फाइंड करनी है हाइट सो so, हमें ए बी मतलब अगर हम इसको यहाँ दे दें ए बी एंड दिस इज सी डी तो हमें एट दी एंड हमें ए बी की हाइट फाइंड करनी है कि इसकी हाइट कितनी है एक्चुअल में इट्स अ वेरी इजी जॉब हमने लास्ट में अभी करे हुए हैं ऑलरेडी कुछ सम्स ऐसे तो इट्स इजी देखिए हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि एंगल ए बी ए सी बी तो हमें पता है की क्लियरली और हमें दिया हुआ है की डी सी इज इक्वल टू टेन डिग्री टेन मीटर सॉरी ये हमारी गिवेन डेटा है अब हमें अपना स्टार्ट करना है अगर हम लोग इन ट्राइंगल लेट से इन ट्राइंगल ए बी सी

बी और डी ले लें। अगर ए बी डी ले लें हम लोग इस ट्राइंगल को थर्टी डिग्री तो हम लोग लेंगे ठीक है जस्ट है? दैट तो अब हमें पता है कि ए बी अपॉन बी डी और हमें टेन थर्टी की वैल्यू कितनी है वन बाय रूट टू ओके मैंने इतना कर लिया तो हमें बी डी मिल गया इज इक्वल टू रूट थ्री बाई ए बी ओके गॉट दिस अब आप यहाँ अगर फिगर में देखे तो अगर मैं बी डी को और बाइफिकेट करूँ तो या आप यू कह सकते हो अगर मैं बी डी को लिखू तो बी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी वेटी ऑब्वियस ओके तो मैं कह नहीं सकती की हम सिंपली की डी सी कितना होगा हमारा डीसी सी डी इज इक्वल टू बी डी माइनस बी सी वेटी ऑब्वियस मतलब हमें हमें डीसी हमें ये दिया हुआ है और डी सी कितना है टेन तो ये कितना हो जाएगा बी डी माइनस बी सी ओके दिस इज ये हमने एक चीज और डराइव कर ली इक्वेशन से ये एक मेरे को दो चीजें मिल चुकी हैं अब हमें तीन चीजें ए बी इज इक्वल टू बी सी और बी डी और ठीक है हमें मिल गया है ए बी इक्वल टू बी सी बी डी इज इक्वल टू रूट थ्री बाई ए बी और एक ये टेन इज टेन इज इक्वल टू बी डी माइनस बी सी हमें ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें मिल चुकी हैं अब देखिएगा हम कैसे इसको अब आगे डिवाइड करते हैं मैं इसको स्क्रीन को यहाँ पे ले जाती हूँ ताकि आपको ये दिखता रहे ओके okay, तो अब देखो अब सिंपल है मैंने इस वाले पार्ट में अब मैं क्या करूंगी जस्ट कीप वाचिंग जैसे अब मैं इंक चेंज कर देती हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आखिर मैंने अब मेन कैसे करा है अब जैसे मैंने लिखा कि हमें पता है कि सिंपली लेट मी राइट इट अगेन कि बी डी माइनस बी सी इज इक्वल टू डी सी मैंने बताया ठीक है और अब हमें पता है कि बी ए बी इज इक्वल टू बी सी अभी हमने करा है तो क्या मैं यहाँ पे ए बी लिख दू तो ये क्या हो जाएगा ए बी और यहाँ से हमने देखिये बी डी की वैल्यू हम ये वाली लिखेंगे ए बी और यहाँ से भी हम ए बी निकाल लेंगे तो ए बी हमें कॉमन मिल जाएगा तो बी डी की जगह हम लिखेंगे रूट थ्री ए बी और इधर क्या लिख देंगे बी सी इज इक्वल टू ए बी यहाँ पे भी हम ए बी लिख देते हैं इज इक्वल टू डी सी तो ये क्या हो जाएगा ए बी अगर आप कॉमन ले लोगे तो वन माइनस रूट थ्री माइनस वन इज इक्वल टू डी सी डी सी की वैल्यू मैं बता चुकी की ऑलरेडी टेन है तो ये क्या हो जाएगा ए बी ओके ए बी मुझसे क्या गया था कि हाइट निकालनी है और एक अगर आप हाइट देखेंगे इधर सो so, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, था कि हमने हाइट किससे डिनोट कर रहे थे वी वर डिनोटिंग हाइट विद ए बी ये देख सकते हैं आप ए बी हाइट थी हमारी तो अब ए बी हाइट थी तो इसको अब सॉल्व कर रूट थ्री की वैल्यू क्या होती है One, की वैल्यू मैं लिख देती हूँ तो ये क्या हो जाएगा टेन माइनस वन पॉइंट सेवन थ्री टू माइनस वन इट विल बी टेन अपॉन पॉइंट सेवन थ्री टू इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी अराउंड थर्टीन पॉइंट सिक्स सिक्स मीटर

तो ये है 2008 का और इसके बाद ये आया था ये भी सेम 2012 और 2008 का क्वेश्चन है ओके okay. तो मुझसे कहा गया है अ वर्टिकल पोल एंड अ वर्टिकल टार सेम लेवल ग्राउंड तो इसका मतलब कि उनका बेस क्या है बेस सेम है लेवल ग्राउंड का मतलब उनका बेस सेम है ठीक है फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल द एंगल ऑफ एलिवेशन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टार इज सिक्सटी डिग्री ठीक है और एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टार थर्टी डिग्री फाइन दी हाइट ऑफ द टार तो अब पहले देखो क्वेश्चन समझाना क्या चाहता है लेट मी ड्रॉ मुझसे कहा गया है कि देखो दो टार हैं उनका बेस सेम है अगर उनका बेस सेम है तो इसका मतलब ये एक के ऊपर एक आगे पीछे हैं. मतलब दोनों एक अपोजिट साइड पे हैं ओके okay, तो अब अगर मैं यहां से एक ट्राइंगल ड्रा करू और एक ट्राइंगल मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ ठीक है आई गॉट माई ट्राइंगल्स तो अब क्या है मुझसे कहा गया है कि एंगल ऑफ सिक्सटी डिग्री और यहाँ से मुझसे क्या क्या था डिप्रेशन 30 डिग्री अब ये 90 रहेगा प्रेडी ऑब्वियस और अब क्या कहा गया है अब इसको देखो मुझसे कहा गया है फाइंड दी हाइट ऑफ द टार इफ फाइंड दी हाइट ऑफ द टार इफ द हाइट ऑफ द पोल मतलब नीचे वाले पोल की जो हाइट है वो 20 मीटर है तो अगर हम लोग इसको ऐसे कर लें तो लेट इट बी ट्वेंटी मीटर मतलब ये यह यहाँ से ट्वेंटी मीटर है तो अब देखो मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट करती हूँ

मुझे सी बात है तो अब लेट्स अब देखिये अब मैं अगर ए e की बात करूं ए e की टोटल हाइट तो ये क्या हो जाएगा x प्लस ट्वेंटी मीटर प्रिटी ऑब्वियस एज दिक्चर से ही हमें पता चल रहा है तो अगर हम लोग इन राइट right एंगल अगर हम लोग ट्राइंगल की बात करें ए बी बी एंड अगर हम इस वाले ट्राइंगल की बात करें मतलब इन दिस ट्राइंगल ठीक है इन दिस ट्राइंगल अगर मैं टेन 60 ले लेती हूँ तो टेन 60 इज इक्वल टू प्रिटी ऑब परपेंडिकुलर अपॉन बेस ठीक है तो ये आपका रूट थ्री इज इक्वल टू एक्स बाय बी हो जाएगा हमें क्योंकि बेस नहीं पता है तो आप सिंपली यूं भी कह सकते हो कि बी डी इज इक्वल टू एक्स बाय रूट थ्री ओके ये मेरी एक फर्स्ट इक्वेशन है अब ये इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ कि ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है उसके बाद सिमिलरली अगर अब मैं ट्राइंगल नीचे वाला लूं जैसे ई दिस ट्राइंगल तो इन ट्राइंगल बी डी तो हम लोग लेंगे अपॉन बी डी ठीक है बी डी अब ये हमें ट्वेंटी डिग्री पता है ये तो वन बाय रूट थ्री ये डीई ट्वेंटी अपॉन बी डी हमें इन द सेम वे बी डी नहीं पता तो बी डी कितना हो गया हमारा ट्वेंटी बाय रूट थ्री ओके तो हमें एक चीज मिल गई यहाँ पे बी डी इज इक्वल टू ट्वेंटी बाई रूट थ्री अगर बी डी ट्वेंटी बाई रूट थ्री है तो अगर हम लोग इसको इक्वेशन वन ले लें ले, और इसको इक्वेशन टू ले लें तो अब पीटी ऑब्वियस आपको पिक्चर क्लियर होती दिखेगी जब बी डी की यहाँ पे वैल्यू एक्स बाई रूट थ्री और यहाँ पे मिल गई ट्वेंटी बाई रूट थ्री तब इनको इक्वल पुट कर दो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी अब जब आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी एक्स क्या था हमारा पोल तो हमें पोल की वैल्यू मिल गई क्योंकि बी डी की तो वैल्यू में मिल चुकी है तो अगर हम लोग बी डी की वैल्यू यहां से रख दे सेकंड से कि ट्वेंटी बाई रूट थ्री इज इक्वल टू एक्स बाय रूट थ्री तो रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल हो गया तो एक्स कितना हो गया 20 एक्स इक्वल टू ट्वेंटी मतलब पोल की हाइट इक्वल टू 20 मतलब आपकी पोल की हाइट पर हम उससे का क्या क्या कहें कि टोटल हाइट बताओ तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी सॉरी इधर रूट थ्री है ये इट्स सॉरी एक गलती हो गई ये रूट थ्री और ये ये ट्वेंटी यहाँ पे ट्वेंटी भी तो था ओके सो इट विल बी एक्स बाय ये रूट इसको यहाँ पे ट्वेंटी आए ये रूट है

ये एक क्वेश्चन अच्छा था ओके okay, अब इन द सिमिलर वे हम लोग एक क्वेश्चन और करेंगे जिसमें अपोजिट साइड्स की बात होगी कि मतलब जब ट्राइंगल्स अपोजिट हैं, दूसरे के ओके okay, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है ये आ चुका है आपके 2010 का क्वेश्चन है वॉच दिस वीडियो ठीक है तो मुझसे कहा गया है एन ऑब्जर्वर ऑन द टॉप ऑफ अ क्लिफ ठीक है मतलब ऑब्जर्वर बैठा है टॉप ऑफ द द क्लिप सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने एंड सो लेट मी द फॉर यू फर्स्ट ये मेरे को दिया है मुझसे कहा गया है कि टॉप ऑफ द क्लिप से उसे दो एंगल्स दिखे हैं दैट इज एक एंगल उसे अगर मैं यहां से ड्रॉ करूं तो एक एंगल उसका रहेगा इसको हम लोग और एक्सटेंड कर देंगे सो दिस विल बी ओके सो एक था उसका सिंपल

मुझसे कहा गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स ठीक है क्लिफ मतलब distance, मतलब इसका बीच का distance निकालना है मुझे, इसको एक्स मान लो, सेम साइड मतलब वही कि मैंने दोनों को सेम साइड पे रख दिया एक यहां पे शेप है तो एक यहाँ पे है सेम साइड का मतलब ये हो गया ओके okay, तो अब इट्स रेडी ऑब्वियस अब ये देखो अब मैं सी डी की या फिर अगर मैं इसको नेम दे दूँ तो ए सी डी बी ये हमारे अब हमें की निकालनी है तो अब हम लोग सिंपली लेते हैं ये तो है इन ट्राइंगल हम लोग पहले निकालेंगे ए डी बी और फिर दूसरा ले लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी ओके okay, ये हम लोग हमेशा करते ही हैं तो अब आपको सिंपली है तो टेन फोर्टी फाइव ले लेंगे इसमें टेन फोर्टी फाइव इज इक्वल टू टू हंड्रेड अपॉन टू हंड्रेड अपॉन बी सी सो बीसी की हमें हाइट मिल जाएगी बीसी का डिस्टेंस टू हंड्रेड हो जाएगा इधर सिमिलर वे टेन थर्टी ले लेंगे फोर सिक्स पॉइंट फोर मीटर तो इन दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा दो सौ और माइनस कर दो तो इसमें फोर्टी वन फोर्टी सिक्स पॉइंट फोर मीटर का डिस्टेंस आ गया दोनों के बीच में ये तब है जब ऑन द सेम साइड अब यही अगर मुझसे क्वेश्चन एक और मुझसे पूछा गया है कि वेन द शिप्स आर ऑन द अपोजिट साइड तब इनकी हाइट बताओ यही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहता है अब इसमें क्या होगा आपका पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे जब शिप्स so हमने बीसी का हमें पता है बेस और इधर हमें दूसरा बेस हमें पता था थ्री फोर्टी सिक्स पॉइंट फोर ठीक है ये हमें इसका किसका पता था बी डी का अब वॉच दिस हम लोग क्या करेंगे मतलब वो अलग अलग साइड्स पे आ रही है शिप्स अलग अलग साइड से अब ये फोर्टी फाइव हो गया ठीक है ये थर्टी हो गया और शिप्स अब दूसरी अलग -अलग से आ रही हैं देखो चाहे शिप कोई भी साइड से आए तो ये सी ये बी ये डी और ये ए रहेगा आपका ठीक है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन थे ये फोर्टी फाइव था और ये थर्टी था जब मैंने आपसे कहा कि जब शिप्स were ऑन द सेम साइड जब शिप्स सेम साइड पे थी तो देखो शिप सेम साइड पे थी तो उस हमें क्या मिला था तब सी और तब मैंने यहाँ पे ले लिया था इट्स वाज़ डी सी बी तो देखो शिप सब सेम साइड पे हो जाएंगे तो हमने क्या करा बी डी को उस तरफ उठा के यहाँ से रोल डाउन करके इधर कर दिया तो ये यह यहाँ पे आ गया देखो हमें इनकी मेजरमेंट्स तो पता ही है तो हम लोग क्या करेंगे हमें पता है कि बी डी इतना है और बी सी हमें दो सौ दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे बस अब इनको ऐड कर देंगे इधर हमने डिफरेंस के लिए सब्ट्रैक्ट करा था अब हमने जो भी इनको निकाला हम इनको ऐड कर देंगे क्योंकि हमें एट दी एंड हमें बेसिस दोनों के पता ही है जब हम लोग सेम साइड पे रहेंगे तो उनमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तभी हमें डिफरेंस मिलेगा अब जब हमने ट्राइंगल को ओपन कर दिया है तो हम जब दूसरी साइड पे मतलब हमें फिर इसका भी डिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा इसका भी बेस ऐड करना पड़ेगा जब दोनों को बेस ऐड कर देंगे तो अगर सगा एक शब्द यहाँ पे और एक शब्द यहाँ पे तो दोनों को बेसिस का हम सम कर देंगे तो हमें दोनों के बीच का डिफरेंस पता चल जाएगा तो हमने सम कर दिया बी सी दो सौ था और बी डी हमारा कितना था 346.4 तो दे टोटल कितना हो गया आपका 546.4 तो मतलब फोर्टी बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 546.4 तो आपको ये चीज याद रखनी है अगर ऑन द सेम साइड ऑफ द क्लिफ कहा गया और मुझसे कहा गया कि उनके बीच का डिफरेंस बताओ तो हमें सब्रैक्ट करना है पर वो हमसे जब कहा गया है कि ऑन द डिफरेंट साइड्स ऑफ द क्लिफ मतलब डिफरेंट साइड तो मतलब जब हमें दो ट्राइंगल्स अलग अलग ओपन करने हैं तो हम लोग उनका सम करेंगे तब हमें डिफरेंस मिलेगा उनके बीच का तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसके साथ हमारा हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर ओवर होता है होप यू लाइक दिस चैप्टर एंड इफ यू लाइक दिस चैप्टर देन गो एंड सब्सक्राइब टू द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड टू अर सेकंड चैनल दैट इज कोड इफेक्टिवली थैंक यू फॉर वॉचिंग